प्रभु का ग्रहण समाप्ति पर प्रभु का स्मरण करते हुए कहा गया है कि वह प्रभु ही सम्राट है। आदित्य है, सारे संसार का शासन करते हैं, उसी प्रभु का उपासन करता हुआ प्रभु भक्त कहता है कि मैं सबसे पहले अपने अंदर सब उन्नतियों के साधक प्रभु का ग्रहण करता हूँ। मैं अपने अंदर प्रभु को ग्रहण करता हूँ। मेरी सर्वोपरि इच्छा यही होती है कि मैं प्रभु को अपने अंदर धारण कर सकूं। धन के पोषण के लिए मैं प्रभु को धारण करता हूँ। वे प्रभु ही लक्ष्मीपति हैं, माधव हैं, वो प्रभु ही माधव हैं, लक्ष्मीपति हैं, माधव हैं। प्रभु को धारण करने से मैं भी लक्ष्मी को प्राप्त करता हूँ और वस्तुतः प्रभु अपने भक्तों के योग क्षेम का तो अवश्य ध्यान करते ही हैं। प्रभु अपने भक्तों का योग क्षेम का अवश्य ध्यान करते ही हैं। उत्तम प्रजा वाला होने के लिए मैं प्रभु का धारण करता हूँ। प्रभु के धारण से सब अशुभ वृत्तियां दूर हो जाती हैं और परिणत पवित्र हृदय वाले पति पत्नी उत्तम संतानों को जन्म देते हैं। उत्तम वीर के लिए मैं प्रभु का धारण करता हूँ। प्रभु का धारण मुझे वासना शून्य बनाता है और इस वासना शून्यता के परिणाम रूप मैं उत्तम वीर वाला बनता हूँ। इस उत्तम वीर वाला होने से मैं प्रस्तुत मंत्र का ऋषि वत्सार बनता हूँ। सुरक्षित क्रिया है सारभूत शक्ति को जिसने, मैं इस वीर रक्षा को इसलिए चाहता हूँ कि मुझे निश्चय से सब दिव्य गुण प्राप्त हों। प्रभु महादेव हैं। प्रभु के धारण से अन्य देव का धारण तो हो ही जाता है। यदि हम अपने में प्रभु को धारण करेंगे तो हम धन का पोषण करने वाले होंगे। हमारी संतान उत्तम होगी। हम उत्तम वीर का पोषण करेंगे। दिव्य गुरुओं के धारण होंगे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंसर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्रम मृत्युम नमः। ये दिव्य प्रार्थना है, दिव्य पुकार है, हृदय की पुकार है। इसको आप लोग बार बार सुने, ध्यान दें और मंत्रों का जप करें। आप स्वस्थ व ऊर्जावान होंगे, आप निरोग होंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, आपकी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। ये एक ऋषि की वाणी है, ये ऋषि का वाणी है, ऋषि का वचन है। पवित्र हृदय से, उदार हृदय से, विनम्र हृदय से इस मंत्र को पढ़ना है, इस वाणियों को सुनना है। समस्त प्रभु का ग्रहण होगा। प्रभु भीतर हृदय रूपी मंदिर में विराजमान होंगे। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन होगा। आप इन वाणियों को ध्यान से सुने, बार बार सुने, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, आप स्वस्थ व ऊर्जावान होंगे और महामारी से लड़ने में सामर्थ होंगे, सेनाएं तैयार होंगी। ओम ओम।